इंडोर प्लांट्स कौन कौन से हैं मेरे पास और वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और उसका मैंने कैसे यूज़ किया हुआ है ये बताने वाला हूँ मैं अपने इस वीडियो में। तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, इजी टू केयर हैं, इजी टू मेंटेन है। तो ये प्लांट्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इंडोर प्लांट्स की बात कर रहा हूँ आज मैं। तो ऑलरेडी मैंने अगर आप देखेंगे तो 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, ऑलमोस्ट 18 to 20 डिफरेंट प्लांट्स मैंने आपको दिखा चुका हूँ। तो वो उसका मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। और आज में कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो मैं आज कवर कर रहा हूँ अपने इस वाले वीडियो में। तो मेरे पास बहुत सारे इंडोर प्लांट्स भी हैं, तो वो कौन कौन से हैं तो वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो गाइज वीडियो के साथ आप बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपने कवर करूँगा अपने इस वीडियो में। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे इंडोर प्लांट्स जो मेरे पास हैं और आप भी अपने घर के अंदर ये इन प्लांट्स को लगा सकते हैं। मेरे पास जो एरिका पाम है वो मैंने इसे पॉली बैग में ही रखा हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है। लास्ट प्लांट जो मेरे पास एरिका पाम का था उसे मैंने सीमेंट के गमले में लगा रखा था और वो काफ़ी ज़्यादा हेवी हो गया था, तो मूव करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने इसे फ़िलहाल के तौर पर अभी प्लास्टिक के पॉली बैग में ही ये रखा हुआ है। मैं इसका जो पॉट है वो चेंज कर सकता हूँ, इसे वाटरिंग करना है तो मैं बाहर ले जाके इसमें वाटरिंग कर सकता हूँ, स्प्रे कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इसे प्लास्टिक के गमले में इस तरह लगा रखा है। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मैं अपने प्लांट्स के साथ करता रहता हूँ। तो गाइज ये जो एरिका पाम है ये एक बहुत ही अच्छा एक इंडोर प्लांट है, आप किसी भी कॉर्नर में आप लगा सकते हैं, जिससे कि ये बहुत ही अच्छा चलता है। और मैंने इसे बिल्कुल अपने एक ड्राइंग रूम के कॉर्नर में लगा रखा है, जहां पर काफ़ी सारे छोटे मोटे मैंने ऐसे एक्सेसरीज लगा रखे हैं, जिसके साथ ये प्लांट काफ़ी अच्छा एक टेक्स्चर प्रोवाइड करता है मेरे पूरे होम डेकोर को। तो इस तरह के प्लांट्स आप चूज़ कीजिए जो कि बड़े बड़े हों और आपके घर को एक नया सा लुक दे। तो ये प्लांट ऑलमोस्ट मेरे पास 1.5 मंथ का है और काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इस तरह के प्लांट्स भी आप प्रिफर कर सकते हैं आप अपने घर के लिए। तो गाइस जो नेक्स्ट प्लांट मैं वो लेके आया हूँ वो है ड्राइसीना का, और ड्राइसीना की जो सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको 2-3 वैरायटी मिल जाती है, बट मेरे पास जो है वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया है जो कि वेरीगेटेड वैरायटी है। इसमें डीप कलर, डीप ग्रीन कलर का भी आता है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, उसकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, बट ये जो ड्राइसीना है इसके जो लीव्स हैं वो ट्विस्ट होके ऊपर की तरफ बढ़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो गाइज कई सारे टॉयज अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आपके प्लांट के साथ आप लगा सकते हैं, जो कि प्लांट को एक बहुत ही अच्छा सा एक फील देता है, एक आप बोल सकते हो एक बहुत अच्छा सा एक लुक देता है आपके प्लांट को, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो अक्सर मैं इस तरह के टॉयज अपने प्लांट्स के साथ लगाता हूँ जो भी मैं इंडोर प्लांट में लगाता हूँ। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया के साथ मैंने एक टॉय लगाया हुआ है जो कि एक फ्रॉग शेप में है, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। ये मैंने एक एग्जीबिशन से बाई किया था और बहुत ही सुंदर लगता है, तो इस तरह के टॉयज आप भी अपने प्लांट्स के साथ लगा सकते हैं। गाइस आप कलरफुल स्टोन्स भी लगा सकते हैं, इसके दो फायदे हैं, इससे एक तो आप मॉइस्चर भी होल्ड रहता है और ये देखने में भी काफ़ी प्यारे लगते हैं, तो ये भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। जितने भी आपके प्लांट्स हो उसमें स्टोन्स लगा के आप देखिए, बहुत ही प्यारा लगता है। तो गाइस जो नेक्स्ट प्लांट मैं लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ जनाडो का, जिसे हम फाइलो टैंड्रॉइड भी बोलते हैं। और इस प्लांट की जो सबसे बेस्ट बात है, ये बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है, ये चौड़ाई में फैलता है ना कि हाइट में, तो इसलिए हर तरह के प्लांट्स मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। तो इसके साथ भी मैंने कुछ ट्राई किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो मैंने क्या ट्राई किया है।
गाइज, ये जो टॉय देख रहे हैं, ये सेल जिसे हम सीप बोलते हैं, समुद्र से निकलता है, उससे बनाया हुआ ये टॉय है। और जनाडो के साथ में मैंने इस प्लांट के साथ ये शिप का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जो कि एक मैं नेस्ट का लुक देना चाह रहा था। और कैसा लगा आपको ये, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, अपने आप होम फर्निश के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये जो आप टेबल देख रहे हैं, ये मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाया था और काफ़ी सुंदर लगता है। इस तरह के आप रेविस पाम, जिसे हम लेडी पाम भी बोलते हैं, वो आप लगा सकते हैं, जो कि एक छोटा सा प्लांट होता है और काफ़ी घना होता है। तो इस तरह के प्लांट्स आप यूज़ कर सकते हैं किसी टेबल टॉप पर रखने के लिए। और कई सारे छोटे मोटे टॉयज मैंने इसके साथ में लगा रखा है, जिससे कि इस पाम ट्री का जो खूबसूरती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो छोटे मोटे टॉयज मैं अक्सर यूज़ किया करता हूँ, मैं बाई करता हूँ। आप जब भी आप दिल्ली हाट या फिर अमेज़ोन वगैरह पर भी आप बाई कर सकते हैं इस तरह के टॉयज और इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं। अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह के प्लांट मैं अपने घर के होम फर्निश के लिए यूज़ करूँ, जो कि मेरे प्लांट और मेरे टेबल या मेरे जो घर का पूरा जो होम डेकोर है उसको सपोर्ट करे। तो लेडी पाम जिसे हम बोलते हैं, रेविस पाम, और ये बहुत ही अच्छा एक पाम ट्री है, जिसे बहुत कम केयर की ज़रूरत पड़ती है और एक बहुत अच्छा इंडोर प्लांट है, जिसे आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर या टेबल टॉप पर आप रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक चलने वाला ये प्लांट है। कभी कुछ नहीं होता है। ये प्लांट मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से है और काफ़ी अच्छा घना हो चुका है। तो गाइज, एक बहुत ही अच्छा, आप बोल सकते हो कॉर्नर प्लांट है, एक इंडोर प्लांट है। आप इसको जिस कंडीशन में भी रखना चाहते हैं आप उस कंडीशन में से रख सकते हैं, और वो है एक रबड़ प्लांट। रबड़ प्लांट की 2-3 वैरायटी आती है। जो मेरे पास है वो वेरीगेटेड वैरायटी है। वेरीगेटेड वैरायटी में भी ये जो वैरायटी है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी वेरीगेटेड वैरायटी से। जो इसके जो लीफ हैं वो ग्रीन और येलो का कॉम्बिनेशन के हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। हार्डली इस तरह के प्लांट्स दिखते हैं तो, बट ये जो वेरीगेटेड वैरायटी है ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो रगड्स लुक है इसका, ज़्यादा आप बोल सकते हो कि ज़्यादा इसे मतलब शाइन नहीं है इसके लीफ में, ये बिल्कुल इस तरह का डल रहता है, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। इस तरह के प्लांट्स आप कॉर्नर में लगा सकते हैं, अपने कहीं भी लगा दीजिए कॉर्नर में, और ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है तो इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं है। आप जहाँ से आना जाना करते हैं वहाँ भी इस प्लांट को आप इजीली आप प्लांट कर सकते हैं, और ये प्लांट एक अच्छा सा इंडोर प्लांट है। ज़्यादा आपको टेक केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसके लीफ आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे लीफ होते हैं इसके। और इसका जो दूसरा एक वैरायटी जो आता है वो डीप ग्रीन कलर का आता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये प्लांट की जो कॉस्टिंग होती है वो ज़्यादा नहीं होती है, तो इस तरह के प्लांट्स आप ट्राई कर सकते हैं। प्राइसिंग लगभग 150 रुपये के आसपास आपको इस तरह के प्लांट्स आप मिल जाते हैं, रबड़ प्लांट। गाइज, इंडोर प्लांट पर ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करके ज़रूर जाइएगा, अगर यहाँ तक देखा है आपने तो। इंडोर प्लांट पर नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ, जिसमें कि और भी कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं मेरे पास जो मैं अपने इंडोर में रखता हूँ। वो कौन से प्लांट हैं वो मैं आपसे जरूर से ज़रूर शेयर करूँगा अपने आने वाले वीडियोज़ में। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए और चैनल के साथ भी आप बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।